हरिओम। आप सभी आध्यात्मिक क्षेत्र में गहरी रुचि रखने वाले साधकों का ज़ेन योगा प्राथमिक कोर्स के तहत व्याख्यान क्रमांक 12 में मैं डॉक्टर रामनानी हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके पहले के व्याख्यान में हम अध्याय 2 में चल रहे थे और उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से डॉक्टर सहर जी ने अध्याय 1 में हमें बताया अलग अलग प्रकार के मन के बहाव। तो 12 काल्पनिक बहाव उन्होंने व्याख्या की है अध्याय 1 में। अब ये मन के जो बहाव उन्होंने बताए अध्याय 1 में वो क्या सूचित करते हैं, उनका डिटेल विवरण उन्होंने अध्याय 2 में बताना शुरू किया, जिसमें से 11 बहाव के क्या संकेत कर देते हैं, यानी क्या हमें सूचित करते हैं, उसको इसके पहले के व्याख्यान में हमने कवर किया। फिर भी जस्ट एक ऑर्डर में हम लोग रिवाइज कर लेंगे क्या क्या वो सूचित कर रहे थे। कि पहला जो बहाव था वो सूचित कर रहा था सेक्स स्वभाव से प्रेरित किया हुआ। जो दूसरा बहाव था उसमें क्या था कि आदमी को गुस्सा आता है तो वो गुस्से से प्रेरित था। और तीसरा बहाव था अहंकार से प्रेरित था। चौथा बहाव क्या था, लोभ या तो लालच से प्रेरित था। पांचवा बहाव क्या था, ईर्ष्या से प्रेरित था। आज सब पढ़ गया है। और छठा बहाव था घमंड से प्रेरित था। सातवां बहाव था अज्ञान से प्रेरित था। और आठवां बहाव था साहस से क्रूरता की तरफ जा रहा था, साहस से क्रूरता। जब वो मारते हैं और लोग चिल्लाते हैं मारो 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 तो वहाँ पे क्रूरता आती है। जब साहस आ जाता है और मन कुलीन न हो तो क्रूरता निर्माण होती है, और अगर साहस हो और मन कुलीन हो तो उसमें दया आशा करुणा आती है, जो कि नौवां बहाव था। और दसवां बहाव था कि वो हमारा मन बिना किसी पतवार के कहाँ पे भी ड्रिफ्ट होते रहता है, उसको कहते हैं जनरल ड्रिफ्टिंग ऑफ माइंड। और ग्यारहवां बहाव हमने देखा कि संशय डाउट, जब मन में डाउट होता है ना, तो फिर क्या होता है उससे हमारा आदमी डिप्रेशन में यानी अवसाद में चला जाता है। और डिप्रेशन आदमी में आदमी जाता है जब, तो उसको दिन सपने देखने लगता है, यानी मन के विचार चलते रहते हैं उसको दिन में भी, इसको कहते हैं दिन में वो बहते रहता है अलग अलग विचारों में। तो इस प्रकार से 11 बहाव और वो क्या संकेत करते हैं, क्या सूचित करते हैं, हमने इसके पहले के व्याख्यान में देखा। आज हम देखेंगे कि 12वां बहाव क्या सूचित करता है। तो 12वें बहाव में आप याद करो वो जो उमर खय्याम की एक कविता की लाइन्स बताते हैं डॉक्टर सहर जी, कि वो उल्टी कराई जिसे हम कहते हैं आसमान, जिसके नीचे हम जीव रहते हैं और मरते हैं, और अपने हाथ उसकी तरफ प्रार्थना में न उठाओ क्योंकि वो भी घूमता है नपुंसकता पूर्वक जैसे हम और तुम, ऐसे उमर खय्याम ने अपनी कविता में बताया। तो यहाँ पे बताते हैं कि भाई क्या लोग प्रार्थना नहीं करते, कितनी तरीके से लोग प्रार्थना करते हैं और फिर भी जिंदगी भर क्या रहते हैं, वो दुखी रहते हैं। फिर क्या है दिव्य मदद, यानी कोई दिव्य मदद यानी कोई डिवाइन हेल्प है कि नहीं, कि हम लोग इतनी प्रार्थना करें उस डिविनिटी को मदद करने के लिए और हमारी प्रार्थनाएं सुनी न जाए और कोई मदद करता नहीं और फिर भी इंसान दुखी रहता है। क्या आदमी प्रारब्ध के अधीन है कि जो लिखा गया है उसके नसीब में बस वही होना है और कुछ कर नहीं सकता है, यानी क्या कारण और प्रभाव के नियम काम करते हैं? क्या मनुष्य के पास कोई मुक्त इच्छा नहीं है भीतर, कितनी भी छोटी मात्रा में हो, जिसका वो इस्तेमाल कर सके और इस जो लिखा गया है उसके जन्म से पहले से ही उसको वो चेंज कर सके? क्या ऐसी कोई फ्री विल या मुक्त इच्छा इंसान के पास है कि नहीं, अथवा एक प्रकार का वो फालतू जानवर है जो कि सेवा में अन्य प्राणियों के जैसे फालतू जानवर सेवा करते हैं इंसान की, अथवा यहाँ सब कुछ होता है इच्छा से किसी बहुत बड़े प्राणी के, इसलिए इंसान को शांति से समर्पण कर देना चाहिए उस दिव्य इच्छा के सामने। क्या वो सिर्फ एक बार पैदा होता है या वो बार बार पैदा होता है? ये सारे प्रश्न थे जो उनके मन में उठ रहे थे और यहाँ पे वो वापस नहीं आए थे अपने मूल प्रश्न पे, यानी आदमी क्या है, तो उसको कहते हैं पहचानने अयोग्य बहाव। लेकिन ये सब क्या है, ये सब दार्शनिक बातें हैं, है ना, दर्शन शास्त्र जो लिखते हैं ना, दर्शन शास्त्र ग्रंथ लिखते हैं जो ये दार्शनिक लोग, इस प्रकार की बातें अपने ग्रंथों में लिखते हैं, थियोरेटिकल बातें। तो इससे क्या हमें संकेत मिलता है, ऐसे जो दार्शनिक होते हैं जो उपदेश देते हैं कि इंसान एक मशीन है, उनके हिसाब से क्या है, इंसान बस एक मशीन बनाई गई है, उसमें से जो भगवान ढालेगा उसमें वही बस उसके साथ उसको मुझे भोगना पड़ेगा, इसके बाद कोई मुक्त इच्छा नहीं है।
कि वो अपनी इच्छा शक्ति का कुछ भी नहीं कर सकता है, कि उसके पास कोई मुक्त इच्छा अथवा चुनाव है ही नहीं, कि हर क्षण जिंदगी का पूर्व निर्धारित है और कोई उपाय नहीं है। ऐसा ही कहते हैं बहुत सारे दार्शनिक अपने दर्शन शास्त्रों में लिखे पड़ रहे थे कि भाई जैसे कर्म करोगे ऐसे फल भुगतना पड़ेगा, जो कर्म करके आए हो उसका प्रारब्ध आपको भुगतना ही पड़ेगा, आपके पास कोई मुक्त इच्छा है ही नहीं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मार्ग को बदल सकते हो, ऐसा कहा गया है दर्शनों में। वो मजाक बनाते हैं, डॉक्टर सैयद जी कहते हैं कि ये जो दार्शनिक लोग अपने ग्रंथों में ऐसा लिख के रखते हैं ना, ये मजाक बनाते हैं किसका, इंसान का भी और उस भगवान का भी। यानी डॉक्टर सहर जी के हिसाब से वो कहते हैं कि हमारे को हर एक इंसान को भगवान की तरफ प्रकृति की तरफ माध्यम से हमें मुक्त इच्छा दी गई है, जिसका अगर हम इस्तेमाल करें तो हम अपने मार्ग को बदल सकते हैं, हमें कर्मों का फल भोगने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम मुक्त इच्छा का इस्तेमाल कर पाएं, यानी हम अपने मन को इतना प्रगत कर पाएं कि हमें वो हासिल हो जाए, जब हमारे मन के उच्च खंड खुल जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो इच्छा, मुक्त इच्छा का इस्तेमाल हमें मिलता है करने के लिए, जिसके कारण हम अपने मार्ग को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सिर्फ जो लिखा गया है भाग्य में उसके हिसाब से हमको चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ऐसे दार्शनिक लोग जो ऐसा कहते हैं अपने दर्शनों में, वो इंसान का और भगवान का क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उनके हिसाब से निर्माता एक गणितज्ञ है, उनके हिसाब से क्या है, जो निर्माता जिसने भगवान ने सब बनाया है वो एक मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ। जैसे मैथमेटिशियन कौन है हमारे मन में, एम सेंटर, वेरी गुड। तो वो ऐसे मैथमेटिशियन है, सारा दिन बैठ कर कैलकुलेट करता है कि किसने क्या कर्म किए, किसने क्या कर्म किए, उसको ये फल भुगता है, उसको ये फल भुगता है, जैसे उसको कोई और कोई काम है ही नहीं। एक स्वेच्छारी है ना, जो उसकी दिव्य इच्छा के अनुसार अधीन करेगा इंसान को सभी तथा किसी प्रकार के निरादर अपनान से, यानी उसको अपनी इच्छा से वो देखेगा कि किसको ये करना है, किसको ये फल भुगतना है, यानी अपनी इच्छा चलाएगा और किसको भी अपमान करा देगा, ऐसा कोई स्वेच्छारी है, ऐसा है नहीं। वो कदाचित यातना देता है और कुंठित करता है इंसान को, यहाँ तक कि उसके काम, जब वो काम महान होता है, यानी इनके हिसाब से दर्शन शास्त्रियों के हिसाब से कि कोई इंसान महान काम भी करता है लेकिन उसने अगर पहले गलत काम किए ना तो उसको फल भुगतना ही पड़ेगा, ऐसा वो कहते हैं दर्शन शास्त्री अपने क्या ग्रंथों में, दर्शनों में उन्होंने लिख के रखा है। वो व्यवहार करता है, यानी भगवान क्या करता है, इनके हिसाब से यानी दर्शन शास्त्र जो लिखते हैं उनके हिसाब से वो भगवान क्या करता है, व्यवहार करता है इंसान के साथ उसी तरह जैसे व्यवहार मनोविज्ञान यानी क्या, जो व्यवहार में जो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजिस्ट है ना, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, जो व्यवहारिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कैसे करते हैं, जो उनके वैज्ञानिक होते हैं व्यवहार साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी, व्यवहार यानी क्या, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो उनके वैज्ञानिक होते हैं उसको कहते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट। तो वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या करते हैं है ना, क्या अपने को देखना है कि मन कैसा है हमारा, कैसा बिहेव करता है, तो वो चूहों के ऊपर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो जैसे बर्ताव चूहों के साथ करते हैं वैसे ही लगता है कि वो परमात्मा बर्ताव इंसान के साथ करता है, ऐसा कह रहे हैं वहां पे। इसलिए अगला भाव है कपटपूर्ण आत्म तत्व ज्ञान अथवा तार्किक सकारात्मकवाद, यानी जो दर्शन शास्त्रों में लिखा गया है ना वो बहुत सारी चीजें सच्चाई लिखी नहीं गई है, उसके लिए कह रहे हैं कपटपूर्ण आत्म तत्व ज्ञान। आत्म तत्व ज्ञान यानी वो दर्शन शास्त्र, आत्म तत्व ज्ञान का मतलब क्या होता है, जो दर्शन ग्रंथ है, जो षड दर्शन है हमारे, है ना, जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था षड दर्शन मेन छह दर्शन है, वैसे दर्शन शास्त्री लोग क्या करते हैं अपने दर्शन में कुछ कुछ बातें ऐसी लिख के रखते हैं जिसको हम लोग कभी बिलीव भी नहीं कर सकते, यहां लगती है वो कपटपूर्ण बातें उसमें लिखी गई है। झूठे सिद्धांत आविष्कार करने के लिए ऐसे दार्शनिक शब्दों के साथ क्या करते हैं, खेलते हैं, अपने हिसाब से वो थ्योरेटिकल बातें लिखते हैं और वो शब्द ऐसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि लोग उसको माने कि ये सच्चाई उन्होंने लिखी गई, जबकि वो सिद्धांत सच्चे नहीं है। तो वो अब डॉक्टर सैयद जी उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनको पूछते हैं कि ऐसे दर्शन शास्त्रियों को पूछते हैं क्या वे खुद को जानते हैं, क्या उन्होंने कभी खुद को जाना है, जो इतना लिख के रखते हैं दर्शन शास्त्रियों में, इतना बड़ा बड़ा चीज़ें लिख के रखते हैं जो कि जिसकी सच्चाई से कोई लेन देन भी नहीं है, क्या उन्होंने कभी खुद को जाना है, क्या उन्होंने अपनी भूख पर भी नियंत्रण किया है कि सारा दिन बस खाते पीते रहते हैं और लिखते रहते हैं बस, है ना, कभी भूख के ऊपर नियंत्रण करना सीखा है उन्होंने, क्या उन्हें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, क्या उन्हें उनकी जिंदगी का कोई उद्देश्य है अथवा उनका उद्देश्य वास्तव में उनका मकसद तो नहीं, यानी वो सिर्फ
फेमस होने के लिए तो ऐसा ग्रंथ में लिख के नहीं लिखा, हमारा ग्रंथ क्या हो जाए फेमस, क्योंकि हमने ऐसी ऐसी थ्योरेटिकल सिद्धांत दिए हैं जिसको पढ़ के हम लोग क्या हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे। कहीं वो उनका वो मकसद तो नहीं सिर्फ फेमस होना, ग्रंथों में लिखना यानी फेमस होने के लिए तो नहीं करते हैं वो। क्या त्याग किए हैं उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, क्या त्याग किया है? एक तो खाना पीना भी नहीं, ऐसे दर्शन शास्त्री बैठ के लिखते भी हैं और फिर खाना पीना चलता है, यानी कुछ प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है उनको, लेकिन थ्योरेटिकल बातें इतनी होशियार होते हैं लोग करने के लिए कि वो अपने ग्रंथों में लिख के रखते हैं और जिसके कारण बहुत सारे लोग भटक जाते हैं। अगर कोई इंसान के पास मुक्त इच्छा नहीं है और जिंदगी की रूपरेखा पहले से ही तैयार की जा चुकी है और उसका जन्म एक बार हो या अधिक बार हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि एक तो वो तो एक प्रकार का खिलौना है अन्य प्राणी के हाथों, तो एक बार पैदा हो 10 बार पैदा हो उससे क्या फर्क पड़ता है? हर बार जब पैदा होगा तो वो तो खिलौना ही रहेगा और वो जैसे नचाएगा उसको वो नाचेगा, तो उसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या है उद्देश्य? क्या आदमी एक दिव्य प्राणी है जो खुद भगवान का हिस्सा बनने के लिए सक्षम है, अथवा क्या वो निंदित किया गया है दूर होने के लिए बावजूद उसकी सारी आकांक्षा होने की? यानी वो क्या एक दिव्य प्राणी हो सकता है जो भगवान का स्वरूप भी बन सकता है, या फिर उसको धूल चाटने के लिए निंदित किया गया है? तो इस प्रकार से ये जो बहाव है दर्शन से क्या होता है, आगे जाके भक्ति और प्रार्थना का बहाव हो सकता है, अथवा अविश्वास और नास्तिकतावाद का ये बहाव है। यानी उसी से दर्शन शास्त्रियों के माध्यम से जब दर्शन ग्रंथ पढ़ते हैं तो बहाव हम क्या कर सकते हैं, या तो भगवान यानी और भक्ति की प्रार्थना की तरफ जा सकते हैं, या तो फिर हम लोग पूरी तरह से नास्तिकता की तरफ जा सकते हैं। ये प्रकार का बहाव होता है जो कि एक प्रकार का दार्शनिक बहाव, यानी दार्शनिक ग्रंथों में जो बातें लिखी गई है उसी को हम पढ़ते हैं और फिर कभी कभी हमारा मन उन्हीं बातों में क्या जाता है, बह जाता है। जब हम किसी के बारे में चीज के बारे में विचार कर रहे होते हैं तो ऐसे दार्शनिक ग्रंथों में जो बातें लिखी गई है उसी में हम लोग क्या करते हैं, हमारा मन बह जाता है। इस प्रकार क्या करते हैं डॉक्टर सहर जी कहते हैं, ये जो बहाव है जो आपको 12 बहावों के बारे में अभी बताया कि वो क्या सूचित करते हैं, एक दूसरे का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। यानी एक आता है फिर दूसरा आता है फिर तीसरा आता है फिर चौथा आता है, कोई भी क्रम नहीं, कभी भी कौन सा भी बहाव आता है अल्टीमेटली हम लोग किसी न किसी बहाव में बह जाते हैं। तो ये प्रकार के बहाव बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसका जानकारी होनी चाहिए। बिकॉज जब भी हम बैठते हैं और अगर हम डायरी बनाते हैं, जैसे आपको मैंने कल भी बताया था इससे पहले के व्याख्यान में कि आपको बैठना है 10 मिनट तक 15 मिनट तक, फिर आपको डायरी में नोट करना है, तो जब आप नोट करेंगे तो आपको ऐसा वर्गीकरण करना है, यानी उसको ग्रुप में लिखना है कि कौन से ग्रुप में आता है, ये कौन सा बहाव था, ये लालच का था, ये घमंड का था, है ना, ये सेक्स का था, ये या तो फिर अपना दूसरे जो बहाव बताया ईर्ष्या का था, जलन का था, है ना। तो इस प्रकार से आपको इन बहावों को वर्गीकरण करना है सो देट आपका मन में क्या विचार रेगुलरली चलते हैं उसके बारे में आप समझ पाएंगे। तो कहाँ पे बताते हैं डॉक्टर सहर जी यहाँ पे कि पहला कदम है बाजू में रखें रोज 15 अथवा 30 मिनट, कम समय है तो 15 मिनट और भी कम समय है तो 10 मिनट रखो, लेकिन रखना है साइड में उतना समय रखना है अपने लिए। उसके बाद क्या करना है, एक विचार लें अपने मुख्य विषय के रूप में, कोई भी एक विचार, अगर आपके पास विचार है तो ठीक है, नहीं है तो हर एक चैप्टर के एंड में डॉक्टर सहर जी आपको यहाँ पे विचार देंगे, आप उसको रेडीमेड करके ले सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा विचार नहीं हो तो हर एक अध्याय के अंत में क्या देखा, विचार दिया गया है, जिसको देखें और फिर देखें कि मन उसमें कैसे आगे बहता है। निर्धारित समय के बाद देखें यानी नोट करें जो भी कुछ विवरण आप दर्ज कर सकते हैं और इसे वर्गीकृत करें बहावों को अध्याय 1 और 2 में जो बताएं, अभी जो बताया ना अध्याय 1 में आपको बहाव बताए और फिर वो क्या सूचित करते हैं उसके बारे में डिटेल बताया, तो इनको जोड़ के रखो अपने माइंड में और फिर देखो कि आपके मन में जो बहाव आया था वो इन 12 में से कहाँ पे जाके फिट होता है, या इससे भी हो सकता है अलग हो, लेकिन ट्राई करो उसमें तो आपको उसमें मिल जाएगा कि इसी में किसी में न किसी में वो फिट हो जाएगा। हर पखवाड़े में सारांश निकालें यानी समरी बनाएं, पखवाड़े यानी क्या 15 दिन के क्या करो, 15 दिन आप नोट करो, फिर 15 दिन के एंड में आप डायरी को जरा देखो, उसका समरी बनाओ कि 15 दिन में कॉमन चीज क्या थी इसमें जो रेगुलरली रिपीट होते रहती है, तो इसका क्या करना है, एक समरी बनाना है और फिर इस अभ्यास को न चूकें। बिल्कुल क्लियर कट बता रहे, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यास है, इसको कभी न चूकें। जैसे इसे करना है आपके घर की गुप्तता में, यह अच्छा होगा कि आप अपने आप से बहुत ईमानदार रहें। इसके लिए कोई आपके ऊपर निरीक्षण करने बैठा नहीं, डंडी लेके बैठा नहीं, लकड़ी लेके बैठा नहीं रहेगा कि गाय कर रहे हो कि नहीं, नहीं कर रहे हो, अरे आपके अंदर चल रहा है ना विचार,
तो कौन देख पाएगा उसको? तो इसलिए कह रहे हैं कि ईमानदार रहो, अगर कुछ उल्टे सुलटे विचार आते हैं तो उसको भी लिखो। नहीं, उल्टे सुलटे विचार तो छोड़ देंगे, जो अच्छे अच्छे विचार आएंगे हम लोग वो लिखेंगे, तो ये क्या हो गई? ईमानदारी नहीं हुई। तो कह रहे हैं कि आपको अपनी गुप्तता में करना है, घर में ही करना है, तो ईमानदार होना बहुत ही जरूरी पड़ेगा। यहाँ पे कभी भरोसा ना करें उस भ्रामक शब्द पर, अपने दिमाग मन को क्या करना? खाली करना। अरे मैं तो बैठा था, मेरे को कोई विचार ही नहीं है, अरे ऐसा होता ही नहीं है, तो ये भ्रामक शब्द को भूल जाओ। या तो आप नोट नहीं कर पाए, या तो आपने बराबर से ख्याल नहीं किया, लेकिन विचार तो आएंगे। आप कहेंगे मेरा तो मन शून्य हो गया था, मेरे को तो कोई विचार ही नहीं है, तो ये भ्रामक शब्द को क्या करो? भूल जाओ। सौभाग्य से और शुक्र से ये कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकृति ने ऐसी संभावना को रोका है। यानी वो जो हमारा माइंड नंबर वन है ना, उसका मेन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी वही है कि वो दृश्य बनाता है, तो दृश्य बनाते रहेगा, यानी विचार तो आते ही रहेंगे। तो ऐसा मत समझना कि मन आपका शून्य हो जाएगा। कुछ स्थायी रूप से बहाव के अनुसार 3 महीनों की कलावधि में आप देखो, स्थायी रूप से यानी रेगुलरली कौन से बहाव आते हैं, 3 महीने तक उसको ऑब्जर्व करो। यानी क्या करो? 6 पाक्षिक सारांश। मैंने आपको कहा ना, पाक्षिक यानी क्या? 15-15 दिन में समरी बनाओ, और फिर 3 महीनों की कलावधि यानी 6 बार ऐसा होगा कि 6 बार आपको 15-15 दिन की समरी, उसमें आप देखोगे ये कुछ स्थायी विचार हैं जो बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। उसको नोट करें, अपनी कमजोरियां तीव्रता के क्रमानुसार, यानी ज़्यादा स्थायी और उसके बाद कम स्थायी, यानी इससे आपको मालूम पड़ेगी आपकी कमजोरी कौन सी है। जो ज़्यादा स्थायी है वो ज़्यादा कमजोरी है, और जो कम स्थायी है वो क्या है, आपकी कम कमजोरी है। उससे आपकी अंदर की कमजोरियां समझेंगी कि मेरे में घमंड ज़्यादा है, कि मेरे में ईर्ष्या ज़्यादा है, कि मेरे में और क्या है, लोभ ज़्यादा है, या मेरे में गुस्सा ज़्यादा है, या मेरे में सेक्स की भावना ज़्यादा है, या आप सब क्या कर पाओगे, या मेरे में क्रूरता ज़्यादा है, या मेरे में दया ज़्यादा है, वो सब आप, या मेरे में संशय ज़्यादा है, यानी मैं बहुत डाउट करता रहता हूँ बार बार, ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हो। अगर ईमानदारी से आपने ये डायरी बनाई और रोज़ उसमें आपने नोट किया और फिर उसकी समरी भी निकाली और 3 महीनों तक करोगे, तो बहुत कुछ अपने मन के बारे में हम समझ पाएंगे। अपने मन को समझेंगे तो ही सुधारेंगे, नहीं तो सुधारेंगे से, नहीं तो चलते रहेंगे जैसे चलते हैं। यही वे बहाव हैं जो आखिरकार हमें अनगिनत भावनाओं की मानसिक उलझनों में उलझाए रखते हैं, अनगिनत भावनाओं की मानसिक उलझनों में। यानी इन्हीं बहावों के कारण हम लोग क्या रहते हैं, हमेशा उलझनों में रहते हैं, क्योंकि इसमें बहते रहते हैं, हमें कुछ प्रॉपर समझता नहीं है, और हमको जानकारी नहीं रहती कि हम किस प्रकार से बह रहे हैं या हमारे अंदर क्या चला, क्योंकि आत्म चेतना के बारे में हम लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, इसलिए हम लोग उलझनों में पड़े रहते हैं। यही किसी व्यक्ति के स्वभाव का प्रतिरूप है, और इन्हीं के हिसाब से मनुष्य अपने निर्णय लेता है और खुद को अभिव्यक्त करता है। यानी ये जो अंदर आपका पैटर्न बना हुआ है, उसी के हिसाब से आपके क्या होते हैं, निर्णय लेता है, और आदमी खुद को अभिव्यक्त यानी एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। इन दुर्बलताओं और बहावों को कैसे सुधारें और मन को ज़्यादा कैसे स्थिर करें, ये आपको हमें आगे के अध्याय में डॉक्टर सहर जी बताने वाले हैं। यानी इनको पहले तो स्टडी करो, फिर इसको चेंज कैसे करो, इसको हम बदल कैसे सकते हैं, उसको आगे के अध्याय में हमको बताएंगे। अब बता रहे हैं यह विचार लीजिए गंभीर सोच के लिए, यानी ये अध्याय का अंत में बता रहे हैं, इस विचार को लीजिए गंभीर सोच के लिए 15 मिनट के लिए, और नोट करें मन के बहावों को। सिंपल विचार दिया है, आज का आपका होमवर्क यही है कि मैं क्यों हूं और मैं क्या हूं, है ना, मैं हूं क्यों, इधर मैं इस धरती पे आया क्यों हूं, और मैं हूं क्या, खुद क्या हूं, इसके इस विचार को लीजिए एज अ मुख्य विचार, और फिर देखिए कि कैसे आपका मन कहाँ कहाँ भटकता है 15 मिनट की कलावधि में। इस प्रकार से यह अध्याय 2 यहाँ पे डॉक्टर सहर जी पूरा करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट अध्याय है। ये पहले 2 अध्याय को अगर हमने अच्छी तरह से समझ लिया ना, तो फ्यूचर के अध्याय को अच्छी तरह से और समझ पाएंगे, और हर टाइम ही हमारा मन कहाँ भटक रहा है तो हम उसको पकड़ पाएंगे। ये बहुत, जिस दिन ये पकड़ पाए और जिस दिन इसको कोरिलेट कर पाए कि कौन से सेंटर से ये विचार आया, आए नेगेटिव, आए पॉजिटिव, ई नेगेटिव, एस पॉजिटिव, एस नेगेटिव, तो वो बहुत बड़ी हमारे लिए जीत हो जाएगी और हम खुद को बदलना शुरू कर पाएंगे। अब यहाँ से चलते हैं अध्याय 3 में। अध्याय 3 में अभी क्या किया आपको, मन की प्रॉपर्टी बताई कि मन क्या करता है भाई, बहता रहता है, लेकिन एक्चुअली मनुष्य का मन है क्या वो अब बताएंगे हमको।
है ना, ये मनुष्य मन है कैसे बना है मनुष्य का मन, है ना, उसके बारे में अब अध्याय 3 में हमको बताएंगे, जिसका शीर्षक है यह मनुष्य का मन क्या है। अब यहां से शुरुआत करते हैं एक सेंटेंस से कि आत्मा और शरीर में कोई संघर्ष नहीं होता, कि आत्मा और शरीर में कोई संघर्ष नहीं होता, उनके मन को छोड़कर जिनकी आत्माएं सोई हुई है या जिनके शरीर क्या हो चुके हैं, बेसुरे हो चुके हैं। क्योंकि ये मन जो है एक सेतु है आपके शरीर, भौतिक शरीर और आपके आत्मा के बीच, क्योंकि मन का ही एक भाग है जो आत्मा कहलाता है। कौन सा भाग है वो, मन का कौन सा खंड है, चौथा खंड, है ना, चौथा खंड, यानी वो अंदर आत्मा है, बीच में आपका मन है जो सेतु है, और ये आपका भौतिक शरीर है, और भौतिक शरीर यानी आपका मस्तिष्क जो कौन सा पार्ट है मन का, खंड नंबर 1। तो खंड नंबर 1 यानी भौतिक शरीर का भाग यानी मस्तिष्क, और खंड नंबर 4 यानी आत्मा, तो उनके बीच का सेतु है मन। तो वही कहते हैं आत्मा और शरीर के बीच में कोई ज्यादा करके संघर्ष नहीं होता, सिर्फ उनके मन को छोड़कर जिनके क्या हो गए, आत्मा या तो सोई पड़ी है या जिनके शरीर क्या हो चुके हैं, बेसुरे हो चुके हैं, उनको छोड़ के। एक सोचने वाले आदमी का दिमाग, ध्यान से सुनिए, एक गैर सोचने वाले आदमी के दिमाग से बड़ा नहीं होता। एक आइंस्टीन का दिमाग और एक साधारण बुद्धू मूर्ख का दिमाग, उसमें कोई साइज में फर्क नहीं रहता है, साइज में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, यानी वो छोटा बड़ा नहीं होता है कि आइंस्टीन का दिमाग बहुत बड़ा है और एक मूर्ख इंसान का दिमाग क्या है, छोटा है, नहीं, दिमाग की साइज क्या रहती है, सेम ही रहती है। जैसे कि एक सोचने वाले आदमी का मन अनुपात में बड़ा नहीं होता एक जंगली इंसान के मन से। एक सोचने वाला इंसान यानी एक बहुत ही शहरी इंसान जो कि बहुत ही अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है, उसका मन भी जो जंगली जानवर यानी जंगली जंगल में रहते हैं या जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके मन से वो बड़ा नहीं होता है। यह पढ़ाई नहीं है, यह अध्ययन नहीं है, यह तर्क नहीं है, यह विचार विमर्श नहीं है, यह स्वभर्ती है, यानी अपने आप को जबरदस्ती किसी चीज से लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती। यानी ये ऐसा नहीं है कि आप बस पढ़ाई कर लोगे, आप अध्ययन कर लोगे, आप तर्क कर लोगे तो आप समझ जाओगे, ये ऐसा नहीं है। उसे क्या है, यह प्रस्तुत करता है तुरंत अनुभूति दिव्य चीजों की, यानी मन आपका अनुभूति दे सकता है दिव्य चीजों की। लेकिन कौन सा मन की बात करें यहाँ पे, ये नॉर्मल मन नहीं, ये कौन सा मन है, हायर माइंड। हायर माइंड यानी क्या, सेक्शन 2B, सेक्शन 3, सेक्शन 4, वो डायरेक्ट आपको बताया था ना, अनुभूति से वो ज्ञान हासिल करता है। तो दिव्य चीजों की अनुभूति, संतोष से आंख से आंख मिलाकर बात करना, ईश्वर के साथ आत्मा की भावना, स्वर्ग के साथ शांति के लिए शांति, यानी ये सब चीजें तब होती है जब आपका प्रगत मन क्या हो जाए, आपका जागृत हो जाए, तब ये हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, उस दिव्य चीजों की अनुभूति ले सकते हैं, आत्मा की अनुभूति ले सकते हैं, और संतों से आंखों में आंखें मिलाकर हम बात कर सकते हैं, और गहरी शांति का क्या कर सकते हैं, हम लोग अनुभव कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल मन के माध्यम से नहीं, ये मन का प्रकार जो खंड 1 है उसके माध्यम से नहीं। तो यही बता रहे हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये हम ये संभावना जब हम चर्चा करेंगे क्या, भाग 2, 3 और 4 की, जो और क्या बोल रहे हैं, कोशिकीय आणविक तथा इलेक्ट्रॉनिक शरीरों अथवा वाहनों और उनसे जुड़े हुए व्यापक चेतना के आयाम, यानी जो आपका खंड 2 होता है, 2B, ये जो बॉडी है, ये जो फिजिकल बॉडी है, इसको कहते हैं भौतिक शरीर। तो ये जो आपका खंड 1 है जो इस भौतिक शरीर में है ना, अभी जागृत है, वो कहते हैं भौतिक यानी शारीरिक, यानी उसको कहते हैं कोशिकीय बॉडी, कोशिकीय, ठीक है, क्योंकि कोशिकाओं से वो बनी रहती है। लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है इसको कहते हैं आणविक, यानी आणविक का मतलब होता है मॉलिक्यूलर बॉडी। तो ये जो खंड 2B है वो पार्टली कोशिकीय है, पार्टली आणविक है, यानी उसको कहते हैं सेल्युलर मॉलिक्यूलर खंड 2B, और खंड जो 3 है उसको कहते हैं आणविक यानी मॉलिक्यूलर बॉडी, प्योरली मॉलिक्यूलर, उसमें सेल्युलर बॉडी नहीं आती है, खंड 3। और जो खंड 4 है वो क्या है, आपकी प्योरली इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, यानी 3 वाहन है हमारे पास, तीनों शरीर, इसके बारे में डिटेल बाद में बताएंगे आगे के अध्यायों में, लेकिन इतना समझ के लें कि खंड 2B सेल्युलर मॉलिक्यूलर, खंड 3 मॉलिक्यूलर एंड खंड 4 इलेक्ट्रॉनिक। तो ये वाहन है हमारे पास, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि हमारे में वो जागृत
हुए नहीं। तो हमारे पास अभी क्या है, कोशिकीय शरीर, ये भौतिक शरीर है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे बताएंगे। और इनसे जुड़े हुए क्या बता रहे हैं, व्यापक चेतना के आयाम। वो व्यापक चेतना के आयाम कौन सा है, मैंने आपको बताया था तीन प्रकार की चेतना, साधारण चेतना, आत्मचेतना और ब्रह्मांडीय चेतना। तो ये जो ब्रह्मांडीय चेतना के अलग अलग स्तर हैं वो ये दर्शाते हैं इन शरीरों के साथ वो क्या है, जुड़े हुए। जब ये शरीर जागृत होते हैं, यानी हमारे में मॉलिकुलर बॉडी हम लोग सेपरेट कर पाएंगे शरीर से, अपने सेलुलर बॉडी से, यानी वो जब जागृत हो जाएगा मन का वो हिस्सा 2B, 3 और 4, तो इलेक्ट्रॉनिक शरीर यानी मन का चौथा हिस्सा, तो ये जब जागृत हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, उच्च प्रकार के चेतना के आयाम हमको मिलेंगे। समझ में आ रही बात, अभी वो तीनों हमारे पास नहीं है। अभी हमारे पास, हमने अभी तक क्या सीखा है उसके बारे में बात करेंगे, ये आगे का फ्यूचर की बात बता रहे हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं, लेकिन अभी हमने क्या सीखा है अब तक वो बताएंगे यहाँ पे, कि क्या है मस्तिष्क, कि हमारा माइंड अपना ब्रेन क्या है उसके बारे में हमने देखा, देखा कि नहीं, कि मस्तिष्क क्या है, आपके मन के खंड एक से जुड़ा हुआ है ग्रे मैटर में और फ्रंटल लोब में, जहाँ पे चार क्या होते हैं, सेंटर्स होते हैं, जिनका नाम है IESM, ये मस्तिष्क में ही हैं फ्रंटल लोब में, लेकिन वो मन के खंड एक से क्या है, जुड़े हुए हैं। क्या मन और मस्तिष्क पर्यायवाची हैं, यानी क्या एक ही दोनों की मीनिंग एक ही है कि मन और मस्तिष्क सेम है, उसके बारे में देखेंगे, क्या वे अलग हैं, और रियली वो तो अलग ही हैं, है ना, एक नहीं है वो, और यदि ऐसा है तो कैसे, तो इन प्रश्नों का उत्तर हम लोग कुछ अगले हिस्सों में हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो पहले दो अध्यायों में हमने देखा कि मन बह जाता है मुख्य विषय से, क्या करता है, बार बार क्या कर रहा था मन, मुख्य विषय से बह रहा था। ये बहाव हमें संकेत देते हैं कि हमारे मन की आंतरिक अवस्थाओं के बारे में, कि हमारी मन की आंतरिक अवस्था ऐसी डिस्टर्ब है कि वो क्या कर रहा है, बार बार वो बहते जा रहा है अलग अलग विषयों में। जब कभी भी दिमाग को देखा जाता है अथवा अधीन किया जाता है जांच के लिए संवेदनशील उपकरणों द्वारा, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स, संवेदनशील उपकरण यानी क्या, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, समझो एक लेबोरेटरी में आप अपने दिमाग को एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट से जोड़ते हैं। सपोज आपने देखा होगा कि किसी किसी को मिर्गी की बीमारी होती है ना, तो डॉक्टर लोग उसको क्या कहते हैं, आप न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, आप EEG निकाल के आओ, इलेक्ट्रो एनकेफेलोग्राम, EEG, जैसे हम लोग छाती का निकालते हैं ना, जैसे हार्ट का, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG, तो वैसे एक होता है आपके ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है उसको नोट करने के लिए एक तंत्र से उसको जोड़ा जाता है इलेक्ट्रोड से, और उसके अंदर क्या हालचाल हो रही है उसको देखते हैं, वो वेव फॉर्म में आती है ग्राफ में, है ना, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रो एनकेफेलोग्राफ, EEG। तो वही कह रहे हैं, जब भी आपके दिमाग को देखा जाता है अथवा अधीन किया जाता है जांच के लिए संवेदनशील उपकरणों द्वारा, इसे नोट किया जाएगा कि दिमाग अथवा मस्तिष्क का क्रियाशील पदार्थ ग्रे मैटर दिखाता है, यानी वो ग्रे मैटर, आपको मैंने कहा था ना 12 पोर्शन जो है, बाहर का जो पोर्शन है, आपको एक डायग्राम में बताया था, जब आप स्लाइस करेंगे ब्रेन को तो वो ग्रे मैटर है, अंदर का व्हाइट मैटर है, और ये ग्रे मैटर में ही हमारे क्या होते हैं, ये केंद्र मौजूद होते हैं IESM। तो जब भी आप इसको कुछ इस संवेदनशील उपकरणों से जोड़ोगे मस्तिष्क को, तो वो कुछ ना कुछ क्या दिखाएगा, हालचाल दिखाता है, कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है। तो ये प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, या तो ये आंदोलन जिसको कहते हैं एजिटेशंस, यानी स्थूल आंदोलन, और फिर कुछ सूक्ष्म हालचाल, कुछ किरणों का देना, कुछ ध्यान आकर्षित करने वाली ध्वनि, कुछ तीव्रता का निर्माण, अथवा किसी बेहतर शब्द के अथवा व्याख्या के अभाव में कुछ कोई चीज, यानी कोई तो चीज आपको दिखती है, महसूस होती है, जो ये प्रतिक्रिया करता है, वो ध्वनि के फॉर्म में हो, या कुछ किरणों के फॉर्म में हो, या कुछ इंटेंसिटी तीव्रताओं के फॉर्म में हो, या फिर कोई आंदोलन, या सूक्ष्म या तो स्थूल आंदोलन के माध्यम से यह कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दिखाता है। तो ये जो है, यानी जब हम किसी ब्रेन को संवेदनशील इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जब नोट करते हैं उसकी हालचाल, तो ये कुछ ना कुछ उसमें क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, इसको क्या कहते हैं, कोई चीज, यानी कोई स्पेशल शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वेग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि आंदोलन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कुछ ध्वनि निकली सुनने में आई, या फिर कुछ किरणें निकली उसमें से, लेकिन अल्टीमेटली कुछ अच्छा शब्द नहीं है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, कोई तो चीज, कुछ कोई चीज होती है। तो ये जो कुछ कोई चीज है,
ये है मन है आदमी का अथवा आवेगों का प्रभाव जो मस्तिष्क तक पहुंचते हैं इंद्रियों के माध्यम से। समझ रहे बात को? यानी बाहर से, बाहरी जगत से हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। तो बाहर के जगत से क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ, किसको कहते हैं जेनोगा की भाषा में, कोडेड इम्पल्स यानी कोडित आवेग, यानी कुछ ना कुछ बाहर से आके हमारे मस्तिष्क में टकराता है। लेकिन टकराता कैसे, मस्तिष्क में जाता कैसे, इंद्रियों के आंखों से कुछ देखा, इन्होंने दो कलर की शर्ट पहनी है, एक है वाइट कलर और एक है ग्रे कलर, ऐसे पट्टे हैं, तो वो कहां से गया, आंखों से गया है ना, कहां पे गया, ब्रेन में गया। लेकिन आंखें क्या है भाई, इंद्रियां हैं, है ना, तो इंद्रियों के माध्यम से बाहर का इंपल्स जिसको कहते हैं आवेग, वो जाता है ब्रेन में जाके टकराता है। और जब वो ब्रेन में टकराता है कौन से स्पॉट पे, या तो आई स्पॉट पे, या तो ई, या तो एस, या तो एम, फिर उससे कुछ प्रतिक्रिया होती है जिसको कहते हैं हम विचार निर्मित हुए, और ये जो विचारों का समूह है यही कहते हैं मन। आई बात समझ में, कि बाहर के स्थूल जगत से कुछ ना कुछ इंपल्स आया, किसके माध्यम से आया, इंद्रियों के माध्यम से आया, कहां गया, ब्रेन में गया, ग्रे मैटर में गया, ग्रे मैटर में कौन से स्पॉट्स पे गया, इन चार केंद्रों पे गया, उनको जाके हिट किया, तो उनसे कुछ प्रतिक्रिया निकली है ना, उससे कोई चीज तो निकली है ना, इसको कहते हैं विचार निकला। और इस विचारों को जब समूह बना लेंगे उसको कहते हैं इंसान का मन। ठीक है, आगे देखते हैं। ये प्रभाव अथवा प्रभावों के लिए प्रतिक्रिया अदृश्य होती है, फिर भी उनका निश्चित अस्तित्व होता है और ये दर्ज किए जाते हैं संवेदनशील उपकरणों द्वारा, नोट किए जाते हैं। यानी एक्चुअली तो ये तो अदृश्य है, जो भी समझो आपको इंपल्स जाके हिट किया आपके ब्रेन को, उससे कुछ क्या हुआ, प्रतिक्रिया हुई, इसको आप देख नहीं सकते, तो ये अदृश्य है। लेकिन फिर भी संवेदनशील इंस्ट्रूमेंट से जब ब्रेन को जोड़ते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ हालचाल, कुछ ना कुछ हम उसको, कोई ना कोई चीज हम नोट कर सकते हैं, उसी को कहते हैं कि ये आपका क्या हुआ, विचार आया इस आवेग की वजह से, इस कोडित इंपल्स की वजह से आपका ये विचार निर्मित हुआ। आम बोलचाल में ऐसे प्रभाव को कहते हैं विचार, यानी जो प्रभाव निकलते हैं, जो प्रतिक्रिया होती है उसको कहते हैं विचार। इसलिए इंसान का मन अदृश्य होता है मुकाबले मस्तिष्क के, जो कि अब यहां पे फर्क बता रहे हैं कि मस्तिष्क दृश्य, यानी मस्तिष्क को अगर आप खोलोगे ये कवटी तो आप देख सकोगे मस्तिष्क है, लेकिन मन को आप नहीं देख सकते हो, तो वो क्या है, अदृश्य है। मस्तिष्क क्या है, दृश्य है, ये फर्क। मस्तिष्क के क्रियाशील पदार्थ यानी ग्रे मैटर पर पड़ने वाले आवेग अथवा प्रभाव के प्रति होने वाली ऐसी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं को विचार कहते हैं। यानी जो भी आवेग आया और फिर जो प्रतिक्रिया हुई, कहां पे जाकर टकराया, ग्रे मैटर में टकराया, आईएसएम स्पॉट पे टकराया, उससे जो प्रतिक्रिया हुई उसको ही कहते हैं विचार। इसलिए विचार भी क्या होते हैं, दृश्य नहीं है, वो अदृश्य होते हैं। विचार जब समूहबद्ध होते हैं यानी ग्रुप में आते हैं तो वो बनाते हैं इंसान के मन को। तो इंसान का मन यानी क्या, कि बाहर से जो भी आवेग आ रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से जा रहे हैं, ब्रेन को टच कर रहे हैं, ब्रेन को टच करने के बाद उससे कुछ प्रतिक्रिया होती है, इन प्रतिक्रियाओं को विचार कहते हैं। और जब ये विचारों का समूह आपस में जोड़ा जाता है उसको कहते हैं आपका मन। यानी मन आपके मस्तिष्क से बहुत ही नजदीक जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मन मस्तिष्क दोनों सेम नहीं है, वो दृश्य है और वो अदृश्य है। और वो क्या बना है, वो किससे बना है, मन विचारों के समूह से। और विचार निर्माण कैसे होते हैं, जब बाहर के आवेग आते हैं, हिट करते हैं और उससे कुछ प्रतिक्रिया होती है उसको कहते हैं विचार। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बिकॉज आगे जाके हमको देखना है कैसे हम इन आवेगों के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं और कहां कहां से आवेग आते हैं। तो जहां जहां से आवेग आएंगे उन्हीं के लिए करेक्टिव मेथड्स बताएंगे, अगर उनको हम नियंत्रित कर रहे हैं यानी आपका ऑटोमेटिकली मन के विचार क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और मन के विचार जब कम हो जाएंगे तो आप धारणा, ध्यान और समाधि में जा पाओगे, नहीं तो नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो ग्रे मैटर जिसे मस्तिष्क कहते हैं उसके चार खंड होते हैं या तो मुख्य भाग होते हैं, आपको पहले ही बताया, खंड नंबर एक, खंड नंबर दो, खंड नंबर तीन, खंड नंबर चार। ये चार खंडों को होती है कुछ खास विशेषताएं जो हर एक के लिए विशेष होती हैं।
चारों को अलग अलग विशेषता है ना, है कि नहीं? खंड एक जागृत मन, उसकी विशेषता क्या है? चित्र बनाना, है ना? हर एक चीज का क्या बनाना? चित्र बनाना, चित्रों को आपस में जोड़ना। खंड दो अ का विशेषता क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, आपको बताया था RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो चीजें अपने आप घटती है हमारे शरीर में, जैसे श्वास चल रहा है, पाचन हो रहा है, इसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, ऐसी चीजों के ऊपर जो नियंत्रण रखता है उसको कहते हैं खंड दो अ, फिजियोलॉजिकल है। खंड दो ब, उसकी विशेषता क्या है? एकाग्रता करना, ध्यान करना और अंतर्ज्ञान प्राप्त करना उच्च खंडों से। खंड तीन की विशेषता क्या है? सिद्धियों का स्थान, बताया था जब ये खुल जाते हैं तो हमें सब प्रकार के पूर्व जन्मों की और आगे के भविष्य की और भूतकाल की पूरी जानकारी हो जाती है। और खंड चार तो क्या है? आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो अपने अपने खंड की क्या है? अलग अलग विशेषताएं होती है, इसलिए प्रभाव की प्रतिक्रिया हर खंड की अलग होती है, मस्तिष्क के अलग अलग खंडों की विशेषता के अनुसार। खंड एक का जो प्रतिक्रिया होगी वो अलग होगी, खंड दो की अलग, खंड तीन की अलग और खंड चार की बिल्कुल अलग। हर एक मन उसकी निहित विशेषता उस कुछ कोई चीज के कारण, कुछ कोई चीज यानी बताया क्या बोला? विचार, है ना? तो कुछ कोई चीज, हर एक मन जो है ना उसकी विशेषता जो है कुछ कोई चीज के कारण निर्माण करता है लगाव अथवा घृणा अथवा अपेक्षा दूसरे मन के प्रति। क्योंकि हमारे मन की कुछ की चीज अलग है, यानी हमारे विचार अलग हैं, तो हमारे विचार यानी एक इंसान के विचार और दूसरे इंसान के विचार जब आपस में टकराते हैं तो उससे क्या निर्माण होता है? या तो लगाव हो सकता है अगर विचार मैच करते हो तो, या तो अगर मैच नहीं करते तो घृणा यानी नफरत हो सकती है, या तो फिर बीच में उपेक्षा, कुछ भी नहीं, ना घृणा ना नफरत, उपेक्षा, बस कुछ ज्यादा ध्यान ही नहीं देंगे। तो ऐसे तीन प्रकार की चीजें हो सकती है, इसके बारे में यहां बताएंगे। अगर लगाव होता है तो क्या होता है, उससे फायदा क्या मिलता है, यानी उससे क्या निर्माण होता है? अगर दो मन हैं जिनका आपस में क्या है भाई? लगाव है, यानी दोनों के विचार क्या है? एक जैसे हैं, उससे क्या निर्माण होता है? मित्रता, प्रेम, प्रेमालाप, सेक्स, जो पार्टनर्स होते हैं, जो लवर्स होते हैं, उनके विचार आपस में मिलते हैं तो वो कभी कभी उसमें क्या होता है? सेक्स में उतर जाते हैं, या हस्बैंड वाइफ होते हैं आपस में विचार जुड़ते हैं तो सेक्स में उतरते हैं। अधिकार, साहस, यानी अगर विचार जुड़े होते हैं तो आपस में एक लगते हैं ना, मेरा इसके ऊपर अधिकार है, क्योंकि हम लोगों को क्या होता है? ट्यूनिंग हमारी मैच होती है। साहस, आशा, लगन और ध्यान, ये सारे विशेषताएं अगर हम लोग का मन आपस में लगाव निर्माण करता है। उसके बाद क्या है? अगर घृणा है यानी नफरत है, उसका क्या फायदा, उसका क्या होता है, उसके परिणाम क्या होते हैं? गुस्सा, आपस में पटती नहीं तो गुस्सा आएगा, थोड़ी थोड़ी चीज पे चिड़चिड़ होगी। अहंकार, लालच, अब ये देखो, अगर ये गुण आप देखो ना, ये सारी जो ड्रिफ्ट्स बताई ना वो सब दर्शाता है। देखो पहले क्या दिया? मित्रता, प्रेम, सेक्स, अधिकार, साथ, आशा, लगन, ध्यान, अब यहां बता रहे हैं गुस्सा, अहंकार, लालच, ईर्ष्या, घमंड, क्रूरता, संदेह, शंका, सेक्स, यहाँ तक कि बलात्कार। कभी कभी आदमी की दुश्मनी हो जाती है तो कभी कभी किसको नुकसान पहुंचाने के लिए लोग ग्रुप में जाके किसी लड़की का बलात्कार भी करते हैं, क्योंकि क्या है, वो अंदर से गुस्सा दर्शाने के लिए। तो ये घृणा इतनी बढ़ गई कि एस सेंटर इतना ज्यादा एक्टिव हो गया कि उसने क्या क्या किया, बलात्कार जैसा क्रूर एक्ट भी उन्होंने कर दिया। तो ये होता है अगर घृणा होती है। और उपेक्षा होती है न लगाव न घृणा, तो क्या होता है? अज्ञान, बहाव, निराशा, दिन सपना देखना, है ना? दिन सपने में देखते हैं ना, उपेक्षा का भाव, ऐसा आदमी लोग डिप्रेस रहते हैं ज्यादा करके, उपेक्षा करते हैं ना जो सारा दिन, ना किसी के साथ लगाव है तो वो डिटैच रहते हैं, अपने ही फील्ड में रहते हैं और सारा दिन क्या करते हैं? बहते रहते हैं, इसलिए वो डिप्रेशन में या तो दिन सपने देखना पड़ते हैं और निराशा में चले जाते हैं। अभी लगाव के उदाहरण क्या है? एक मन और दूसरे मन के बीच में अगर लगाव हो तो उससे क्या फायदा मिलता है? इससे पैदा होता है एक मास्टर माइंड, आला दिमाग जिसको कहते हैं, समूह, गुट, कैंपस, संयुक्त राष्ट्र, अलग अलग धर्म, दार्शनिक, वैज्ञानिक तथा सामाजिक समूह। यानी अगर आपका मन एक दूसरे से मैच खाता हो, एक दूसरे से लगा हो, जैसे आप कोई भी संस्था होती है, संस्था के कुछ लोग सदस्य हैं, उनकी अपनी क्या होती है? ट्यूनिंग होती है, मैचिंग होती है, यानी उनके विचार आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़ा सा ग्रुप बन जाता है ना।
इसी को कहते हैं अलग अलग प्रकार की संस्थाएं, जहां पे लोगों के एक दूसरे के जिनके विचार मिलते हैं वो ग्रुप में आते हैं और क्या बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं। तो उसी से बड़े बड़े संगठन बन सकते हैं अगर आपके विचार एक दूसरे से मैच खाते हैं। और अगर घृणा है तो क्या होता है, एक मन तथा दूसरे मन के बीच में पैदा करता है गलत फहमियां, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अपराध होता है और हर सोचने योग्य प्रकार की गलत फहमियां निर्माण होती है, या बदले में पैदा करता है हर सोचने योग्य प्रकार के अपराध को, जैसे युद्ध, हिंसा और विनाश। अब गलत फहमियां हैं, आपस में पटती नहीं है तो युद्ध के लक्षण आ जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान की आपस में पॉलिटिशियंस की पटेगी नहीं तो युद्ध के ऑलमोस्ट कागार पे खड़े हैं हम लोग। इंडिया और चाइना की पटेगी नहीं तो युद्ध के कागार पे खड़े हैं हम लोग। इस प्रकार से हिंसा होती है, जिससे कारण क्या होता है, विनाश होता है। और ये क्या करते हैं, ये पंजीकृत किए जाते हैं ग्रे मैटर पर। एक मन का दूसरे मन के साथ उपेक्षा का संबंध, एक मन जो कि महसूस करता है न कि घृणा न तो लगाव, वो अकेला रहता है बहुत प्रतिबंधित प्रवेश में, न उसके पास घृणा है करने के लिए न उसके पास लगाव है, तो वो क्या अकेला ही रहना कोशिश करता है, है ना। जिसके पास न लगाव है न किससे नफरत है न किससे लगाव है, तो वो चाहता है कि मैं अकेला रहूं, लेकिन अकेला रह रहे के क्या होता है उसका। और अगर उसे बार बार अवसर नहीं दिए गए लगाव अथवा घृणा की भावना के दूसरे मन की तरफ, तो वो रुग्ण हो जाता है, वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है तथा पैदा करता है अलग अलग प्रकार की मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक रोग। ऐसे लोग जो बिल्कुल अलग रहते हैं और किसी के साथ ना अटैच रहते हैं ना किसके साथ नफरत करते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, और अगर उनका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं हो तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और मनोवैज्ञानिक रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। अक्सर उनकी कम से कम प्रतिरोध रेखा की लाइन लेने की आदत की वजह से उपेक्षित मन बन जाता है दूर भागने वाला हर दूसरे मन से। और हम देखते हैं तब पागलपन के शुरुआती लक्षण, हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं मानसिक रूप से दुखी, यानी वो क्या भागते रहते हैं, उसको कोई चीज़ों में मज़ा नहीं आता है, न किसके साथ लगाव है न किसके साथ नफरत है, तो वो अकेले में रहना पसंद करता है और इसलिए दूसरों से क्या होता है, हमेशा भागते रहता है, दूसरों से दूर रहता है। और ऐसा आदमी जो सारा दिन दूसरों से दूर रहेगा और उसके साथ कोई उसको सपोर्ट करने वाला न मिले, तो वो मानसिक रूप से दुखी अथवा पागलपन के अली लक्षण, या तो प्योरली वो डिप्रेशन में चला जाता है। इंसान का मन, अब ये बहुत अच्छी तरह से बता दें, यहाँ से तो ध्यान से सुनिए, एक कंपैरिजन कर रहे हैं इंसान के मन को एक कपड़े से कैसे कंपेयर करते हैं, वहाँ पे बताते हैं यहाँ पे कि इंसान का मन एक कपड़े के समान है जिसके दागे होते हैं विचार, जिससे कपड़ा बुना जाता है। एक एक धागे से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। तो ये धागे क्या है, हमारे विचार, क्योंकि बताया ना मन क्या है, विचारों का समूह। तो यहाँ पे दागे हैं कपड़े के, वो दागे यानी हमारे विचार, जिससे हमारा मन बना रहता है। भावनाएं देती है रंग इस कपड़े को, है ना, भावनाएं अंदर की जो इमोशंस हैं मन में, वो उसको रंग देते हैं कि कौन से पॉजिटिव इमोशंस के नेगेटिव इमोशंस, वो आपको रंग देते हैं उस कपड़े को। पुनरावर्ती यानी दोहराव अथवा आदत देती है कपड़े को ताकत अथवा सहनशीलता। बार 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 वही चीज दोहराएंगे तो उससे क्या हो जाता है, ताकत मिलती है और उससे सहनशीलता निर्माण होती है, उस कपड़े को ताकत मिलती है अगर हम वो चीज़ें को दोहराएंगे। जैसे रोज रोज योग का अभ्यास किया तो मन को आपको क्या मिलती है, ताकत मिलती है। आंतरिक स्थिति की अथवा इकट्ठे किए हुए विचारों की गुणवत्ता देती है खुरदरापन या पतलापन। अंदर के आपके जो विचार हैं वो कौन से विचार हैं, उनके गुण क्या हैं, अच्छे विचार हैं तो वो आपको मस्त क्या देगी, कपड़ा पतलापन रहेगा यानी मुलायम कपड़ा रहेगा, किसी को तकलीफ देने वाला कपड़ा नहीं रहेगा। आपका मन किसी दूसरे मन को क्या करेगा, तकलीफ नहीं देगा। लेकिन विचारों की क्वालिटी क्या है, अगर खराब है या नेगेटिव विचार है तो कपड़े को क्या देगा, वो खुरदरापन यानी रफनेस आएगी, उसमें वो स्मूथपना नहीं आएगा, क्योंकि आप हमेशा दूसरों के साथ क्या करोगे, फिर लड़ाई झगड़े में ही रहोगे। इस प्रकार से बता दें ग्रे मैटर अथवा मस्तिष्क फिर आकार देता है इस कपड़े को उन कपड़ों में जो बाद में खुद को चरित्र के रूप में प्रकट करते हैं। अब ग्रे मैटर ऐसे कपड़े को मोल्ड करता है और फिर जो आपके अंदर के गुण हैं उसको मोल्ड करके उन्हीं गुणों के आधारित आपका चरित्र निर्माण होता है कि अच्छा चरित्र, अच्छे गुण है तो अच्छा चरित्र और बुरा गुण है तो बुरे चरित्र का आदमी होगा। पसंद और नापसंद देती है फैशन कपड़ों को, यानी अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेस करना
अभिव्यक्ति के रंग चरित्र को और व्यक्ति के जीवन को, आपकी पसंदी और नापसंदी देखते हैं कि आपका चरित्र कैसा होगा और वो कैसे आप जीवन जिएंगे। निरंतर दैनिक अभ्यास, जैसा कि अध्याय 2 में समझाया गया है, और उचित कदम उठाना ठीक करने अथवा सही करने के लिए, जो हम बाद में पढ़ेंगे, निखारता चाहिए हमारी भावनाओं को और उसके साथ साथ हमारे विचारों की गुणवत्ता को। यानी यही बता रहे हैं कि अगर आपके अंदर की जो भाव दशा है और आपके चरित्र को आप बदलना चाहते हो, तो आपको पहले 2 अध्याय में, जो दूसरे अध्याय में और पहले अध्याय में बताए गए हैं, ड्रिफ्ट वॉचिंग, उसको करोगे तो समझोगे कहाँ पे मेरा खुरदरापन है मन में, कहाँ पे मेरा तकलीफ देता है मेरे को बार बार चीज़ें। तो उसको जब सुधारोगे तभी आप अपने चीज़ों को, यानी अपने मन के भावनाओं को, और क्या करोगे, सुधार पाओगे और विचारों की गुणवत्ता आप इम्प्रूव कर पाओगे। हमारी पसंद व नापसंदी बदलेगी, जिसका मतलब है पुनर्मूल्यांकन दुनिया की चीज़ों का, जिसके परिणाम स्वरूप हमें सक्षम करेगा होने के लिए उच्च गुणवत्ता का चरित्र अथवा उच्च स्तर के विचार पुरानों के मुकाबले। अगर ये हम रोज़ अध्ययन करेंगे तो ही हम जो जूने विचारों को हम छोड़ पाएंगे और अच्छे प्रकार के विचारों को हम अपना पाएंगे। उसके लिए अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। हमने देखा है कि मन ये क्या होता है भाई, अदृश्य होता है। मस्तिष्क क्या है, दृश्य है। मन क्या है, अदृश्य है। अगर वो दृश्य हो जाए तो हम उसका अवलोकन कर सकते हैं और उसका अध्ययन भी कर सकते हैं, उसको प्रॉपरली स्टडी कर पाएंगे। अगर वो दृश्य दिखेगा तो स्टडी करना ईजी है ना, अदृश्य है तो स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो अदृश्य है, हम उसका अवलोकन और उसे समझ नहीं सकते, क्योंकि अदृश्य है ना। इसलिए हमको अंदर सोच के समझना पड़ेगा, बाहर से तो दिखता नहीं है, इसलिए उसको समझना बहुत मुश्किल है। अगर यहाँ पे बहुत अच्छा बता दें, अगर हम अपने ही मन का अवलोकन नहीं कर सकते और समझ नहीं सकते, तो दूसरे का मन का अवलोकन करना तथा समझना और ज़्यादा मुश्किल होगा और इससे गलत फहमी पैदा होती है। अरे जब तुम अपने ही मन को समझ नहीं पाते हो कि मेरा मन इस प्रकार से बिहेव करता है, इस प्रकार से क्यों बिहेव करता है, हम चलते हैं क्या कि हम दूसरों के मन को क्या करते हैं, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, अवलोकन करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसको सुधारने की भी कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन हम अपने मन को ही समझ नहीं पाए और हम चले हैं दूसरे के मन को समझना और सुधारने की। हालांकि एक तरीका है इस बाधा को दूर करने का, प्राचीन ऋषि निरीक्षण करने और समझने में दोनों सक्षम थे, वो लोग थे क्योंकि उनको वो तरीका मालूम था। सभी प्रतिक्रियाएं ग्रे मैटर की जो आवेगों अथवा प्रभावों से आती है, जिसे हम बुलाते हैं एकत्रित होकर मन, एक प्रतिक्रिया होती है जो कि घटती है। ये प्रभाव कैसे दर्ज किए जाते हैं, हमारे शरीर काया की इंद्रियां ये करती है। यानी जो भी आते हैं ना, बाहर से कोई इम्पल्स आया तो कहाँ जाएगा वो, पहले इंद्रिय के माध्यम से ग्रे मैटर, और फिर ग्रे मैटर क्या करेगा, विचार निर्माण करेगा। जो भी बाहर प्रकट होगा कैसे, इंद्रियों के ही माध्यम से। सो ये माध्यम पूरा क्या है, इंद्रियां ही है। आवेगों को लेके जाना, विचारों को प्रकट करना। देखो विचार आते हैं तो प्रकट होते ना, आंखों में आता जाता है, आदमी आंखों से दिखता है कि इसके आदमी के मन में क्या चलता है ना। तो ये विचार प्रकट करने का माध्यम भी इंद्रियां हैं, आवेगों को अंदर लेके जाने का माध्यम भी क्या है, इंद्रियां ही करती हैं। ये इंद्रियां वो माध्यम है जो सांकेतिक आवेदों के रूप में प्राप्त प्रभावों को नोट करती है। यानी जो भी आवेग आए और उसका जो प्रभाव यानी प्रतिक्रिया हुई, उसको नोट करने का काम कौन करती है, ये इंद्रियां करती है। वे ही बदले में प्राप्त करती है विसंकेतिक विचार अथवा संदेश अथवा आदेश जो मस्तिष्क से भेजे गए होते हैं सांकेतिक आवेगों के प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप। सांकेतिक आवेग आए, जिसको कहते हैं कोडेड इंपल्सेस आए, और उसी के कारण क्या हुए, ये विसंकेतिक विचार निर्माण हुए, और इसको प्राप्त कौन करता है, आपकी इंद्रियां ही प्राप्त करती है। ये बदलाव प्राप्त किए सांकेतिक आवेगों का और भेजे गए विसंकेतिक विचारों का किया जाता है मस्तिष्क और कुछ शरीर प्रणालियों के तंत्रों की मदद से, जो हम बाद में पढ़ेंगे। संकेतन और विसंकेतन यानी नोट करना और परिवर्तन करना जो आवेग प्राप्त किए होते हैं, ये काम है मन का, मस्तिष्क का, ग्रे मैटर के सहयोग। यानी अल्टीमेटली ये ध्यान में रखें कि इंद्रियों के माध्यम से आते हैं, लेकिन पूरा ये संकेतन और विसंकेतन, संकेतन और सांकेतिक आवेग आए उसको विसंकेतिक करके विचार का निर्माण करना होता कहाँ पे, आपके ग्रे मैटर, जो कि किसका भाग है, मस्तिष्क का ही भाग है। यहीं पे ये चीज़ें होती है, इसका डिटेल वर्णन आगे हमें बताएंगे।
हर एक इंसान को होते हैं कुछ बहुत सारे विचारों के सांचे, यानी पैटर्न्स होते हैं अंदर जो संग्रहित होते हैं, जो पहले से ही क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। ये संख्या वास्तव में बड़ी है और रोज बढ़ते जाती है। ये सांचे खुद को दोहराते हैं जैसे इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीता है। यानी कुछ फिक्स पैटर्न्स हमारे अंदर पहले से ही मौजूद हैं और यही रही हम लोग क्या करते हैं, रोज रोज उसको दोहराते हैं और उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर चलता रहता है। ये बचपन से जमा किए जाते हैं। ये सांचे आते कहाँ से, ये आते कहाँ से, बचपन से। कैसे आते हैं, हमारे माता पिता का जो संस्कार हमारे ऊपर हुआ, उनके जो है ना विचार हमारे अंदर आए, शिक्षकों से हम कुछ सीखते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, दोस्तों के कारण कुछ उनके साथ जो रिश्ता होता है उससे कुछ हमें सीखने को मिलता है, घर और अन्य वातावरण और सामान्य अनुभवों के माध्यम से ये बचपन से ही सांचे क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर जमा हो जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि कोई भी प्रयास नहीं करता पूरा करने का, कुछ रोज के मानसिक अनुशासन जो विश्लेषण करे इन सांचों का। यानी कोई हमें तरीका बताने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे अंदर की ये गांठें कौन सी बंधी है, क्योंकि कोई बताता ही नहीं कि किस प्रकार से इनका विश्लेषण करो। यानी ड्रिफ्ट वॉचिंग के बारे में कोई बताता ही नहीं, जो जब तक ड्रिफ्ट वॉचिंग नहीं किया तब तक मन के अंदर क्या चल रहा है और कौन से गांठें हमने बांध के रखी है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगी। और कोई भी स्वतंत्र सोच नहीं की जाती है नियमित रूप से संग्रहित सांचों के हिसाब से चलने के अलावा। जो आपके फिक्स पैटर्न्स हैं, जो पहले से ही संस्कार हमारे अंदर मौजूद हैं, हम उसी के हिसाब से चलते हैं क्योंकि हमने कभी उसका अवलोकन या उसका डिटेल स्टडी कभी किया ही नहीं, तो बदलने का चांस है ही नहीं। जो जो संस्कार लेके पैदा हुए हैं, जो माँ बाप से, जो स्कूल कॉलेज से, जो मित्रों से हमारे अंदर पाए गए हैं, वही फिक्स सांचे लेके चलते हैं, उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उसको कभी हम देखने का प्रयास भी नहीं करते हैं। अब जब देखेंगे ही नहीं तो उसको बदलेंगे कैसे, तो इसलिए उसी के हिसाब से हम चलते रहते हैं। किसी भी प्रकार का सुधारात्मक तरीका शायद ही कभी विचारा जाता हो। सुधारोगे कभी, जब उसको अनुभव करोगे, उसको महसूस करोगे, उसका अवलोकन करोगे, तभी तो कुछ सुधारोगे ना, तो वो प्रक्रिया कभी की नहीं जाती है, इसलिए सुधार करने का सवाल नहीं उठता है। मन के बहावों को कभी जांचा भी नहीं जाता और सचमुच अक्सर किसी के ध्यान में भी नहीं आते, है ना। कभी देखा है, कभी हम सोचते हैं कि हम लोग क्यों बह गए, कहाँ बह गए, कभी नहीं, कोई करता ही नहीं वो प्रक्रिया, कोई प्रैक्टिकल अभ्यास करता ही नहीं है। दूसरी ओर ज़्यादातर इंसान जीते हैं फिर से चला के इनमें से कुछ संग्रहित सांचे, जैसे कि किसी टेप रिकॉर्डर से चल रहा है, वो फिक्स होता है ना, टेप रिकॉर्डर में एक टेप भर के रखी, आनापान सती ध्यान चालू किया, शुरू हो जाएगा वो, है ना, तो फिर वो टेप रिकॉर्डर के जैसे विचार चलते हैं ना, वैसे ही हम लोग का चलते, जो फिक्स पैटर्न है ना, बस क्लिक करो और वही शुरू हो जाएगा, वही शुरू हो जाएगा, उसके हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, अपना दिन वैसे ही चलता रहता है। तो वो फिक्स टेप रिकॉर्डर जो अंदर संग्रहित सांचे हैं उसी के हिसाब से हम चलाते हैं, वो निर्भर करता है उत्तेजना निषेध अथवा चिड़चिड़ाहट पर जो बाहर की दुनिया से प्राप्त होती है इंद्रियों के माध्यम से। कौन आपको उत्तेजित करता है, है ना, जैसे जैसे लोग उत्तेजित करते हैं वैसे वैसे हम लोग फिक्स जो आइडियाज हैं उसके हिसाब से क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते रहते हैं। और ये उत्तेजना मिलती कहाँ है, इंद्रियों के माध्यम से, है ना, इंद्रियों के माध्यम से सारे अंदर आवेग आते हैं और हमारे जो सांचे हैं फिक्स, उन सांचों के हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते रहते हैं, क्योंकि अंदर देखा ही नहीं हमने क्या हो रहा है। ऐसा आदमी पूरी जिंदगी भर बहते रहता है, यानी मन के बहाव उसके चलते ही रहते हैं और कोई प्रयास नहीं करता अपनी स्थिति में सुधार करने का, क्योंकि ये चीजें बताई नहीं गई हमको, और बताई भी गई तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो इसलिए कोई अंदर देखता ही नहीं है। हम तो यहाँ तक बोलना चाहेंगे, डॉक्टर सैयद जी कहते हैं कि कोई विरोध ही नहीं करता, विरोध कैसे करेगा, जब पता ही नहीं तो विरोध कैसे करेगा कि क्या चल रहा है मेरे अंदर, पता ही नहीं है उसे, शायद इसकी जानकारी भी नहीं होती है कि क्या चल रहा है और मैं क्यों ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। कुछ प्रबल बहाव मजबूर करते हैं किसी व्यक्ति को एक चीज करने के लिए दूसरों के मुकाबले, और वो पूर्णतः से वही चीज करता है। प्रबल बहाव, जैसे पता है आपको अंदर आपका कोई अगर ई केंद्र फिक्स है, ज़्यादा ही है उसका मात्रा, तो वो इमोशंस में बहेगा ही, थोड़ी सी तो कुछ बात कहो और तुरंत क्या हो जाता है, गुस्सा, थोड़ी सी तो बात जो और तुरंत लोग रोने लगते हैं, थोड़ा तो किसको बोलो तुरंत आंसू, हाँ ना आंसू निकल, क्यों भाई क्या हो गया, मैंने क्या बोल दिया देखो, बस इमोशनली अंदर से एक्टिव हो गया। कहने का मतलब क्या है, ये फिक्स सांचे हैं जिसकी वजह से हम लोग फिक्स प्रतिक्रियाएँ करते, बाहर से कोई उत्तेजना आए तो सही, हम लोग ये प्रतिक्रिया वहाँ पे फिक्स
होती है। लेकिन कुछ भी इंसान करे उसे उसी वक्त ये सवाल पूछना चाहिए, क्या है उद्देश्य जीवन और जन्म का और क्या मैं उसके करीब जा रहा हूँ। हालांकि धीरे धीरे ये प्रश्न आपको पूछना है, कुछ भी करो कितने भी भाव, लेकिन मन में ये प्रश्न लाना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा उद्देश्य क्या है मेरे जीवन का मेरे जन्म का और क्या मैं उसके नज़दीक जा रहा हूँ उस उद्देश्य के नज़दीक, भले ही धीरे धीरे जा रहा हूँ, यानी क्या मैं अपने मन का अवलोकन कर रहा हूँ और उसको थोड़ा थोड़ा सुधार रहा हूँ, भले थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो करेंगे ही नहीं तो कभी सुधरेगा नहीं और फिर आपके जीवन का मकसद जो है, जीवन और जन्म का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल सार्थक होने वाला नहीं है। अगर जवाब सच्चा और निष्कपट नहीं है तो जिस भी चीज़ में आप लगे हुए हो वो क्या है, बहाव है। यानी जो भी आप कर रहे हो, अगर आप रियली कुछ कर नहीं रहे हो, आपके जन्म और के उद्देश्य के बारे में मालूम नहीं है और उस तरफ आप बढ़ नहीं रहे हो, उसका मतलब जो भी चीज़ आप कर रहे हो दिन भर में वो सिर्फ बहाव ही बहाव है। यानी आपका मन सिर्फ फिक्स सांचों के हिसाब से यहाँ वहाँ भटकते का रहेगा और बहाव करते रहेगा। हालांकि कितना भी अच्छा बड़ा और महान ही क्यों ना हो उसे वो लगता हो, कितना भी विचार आपका अच्छा हो लेकिन वो बहाव ही है क्योंकि आपने कभी अंदर देखा नहीं और ना ही आपको अपने जन्म और जीवन का उद्देश्य पता है। इस विचार को आप कहते हैं डॉक्टर सहजी गंभीरता से लें और सोचें और बहाव पर ध्यान दें। एक और विचार मिल रहा है क्योंकि अध्याय 3 की समाप्ति पर आपको एक और विचार मिलेगा। अब तक मैंने जो भी पढ़ा है वह प्राथमिक है, मुझे और पता है। यानी अब तक हमने जो भी पढ़ा है ना वो प्राथमिक है, हमें और भी जानकारी है लेकिन हमारी जानकारी दबी हुई है क्योंकि हमने कभी उसको अंदर देखा नहीं है। अंदर बहुत ज्ञान है लेकिन वो क्या है, सारा दिन हम लोग क्योंकि क्या है, बहाव में ही हमारी ज़िंदगी गुजरती है क्योंकि अंदर के पैटर्न के बारे में समझा ही नहीं कि विचार निर्मित क्यों होते हैं, ये मन है क्या भाई, इसके बारे में कभी जानकारी हुई नहीं। तो अब पता चला हमको कि मन और कुछ नहीं है, मन खाली बाहर से प्राप्त किए गए सांकेतिक, जिसको कहते हैं कोडेड इम्पल्सिस को, जब वो ब्रेन से टकराता है तो उससे जो हमारी प्रतिक्रिया होती है वो होता है हमारा विचार निर्माण और ये विचारों का समूह को कहते हैं मन। और ये क्योंकि क्या है, पहले से ही संग्रहित विचार इतने बैठे हैं अंदर, सांची हम लोग फिक्स लेके बैठे हैं तो हम फिक्स सांचों के हिसाब से हमारे विचार निकलते रहते हैं, प्रतिक्रियाएं होती रहती है और हम दिन भर क्या करते हैं, इन्हीं बहाव में हमारी जिंदगी गुजर जाती है और इसकी वजह से हमारे जन्म और जीवन का क्या उद्देश्य है उससे हम बहुत दूर चले जाते हैं और बस बहाव में ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो कोई चीज़ सार्थक होती नहीं है, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शिक्षित हैं या आप अशिक्षित हैं, है ना, आप इंजीनियर हैं आप डॉक्टर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो बहाव है सबके लिए कॉमन है और जब तक आपने इस प्रक्रिया को किया नहीं तब तक ऐसे ही बहेंगे और बहते जाएंगे तो ज़िंदगी इस तरह से चलती रहेगी जिसका कोई अर्थ नहीं होगा और बस जाते समय भी फिर वही मन में वही इच्छा रहेगी कि फिर पैदा हो तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो साइकिल जो है वो चलती जाएगी और हर बार भी पैदा होगे ना तो जब तक जेनियो का जैसा शास्त्र आपके हाथ में नहीं आता है तब तक आपके मन को कोई सुधार सकता नहीं। कितने ही सत्संगों में जाओ, कितने ही पूजा पाठ करो, है ना, कितने ही व्रत उपवास करो, उससे कुछ अंतर पड़ता नहीं है। आपके मन के जो अंदर सांचे फिक्स बैठे हैं ना वो इन चीज़ों से कोई असर पड़ता नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं लोग, कहाँ कहाँ जाके माथा नहीं टेकते हैं और कितने लोगों का आशीर्वाद लेते हैं लेकिन कोई आशीर्वाद काम नहीं करेगा जब तक आपने खुद को स्वयं निरीक्षण करना सीखा नहीं। और स्वयं निरीक्षण का तरीका ये की है कि इस विज्ञान को समझें, इसको समझें और इसके हिसाब से हम चलें तो हमारा ज़िंदगी हमारी बदल सकती है। हरिओम, थैंक यू।